बेसन के दही भल्ले, बहुत ही मजे के बनेंगे, चटपटे से, मजेदार से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप बेसन ले लिया, ठीक है, इसको बाउल में डाल लेते हैं। आधा कप से भी बहुत सारे बन जाएंगे ये, ठीक है। साथ में क्या डालेंगे हम, ये मैंने 2 चुटकी लिया है खाने का सोडा, ठीक है, ये शामिल कर देते हैं, और चुटकी सा नमक, और ये है भुना पिसा जीरा, थोड़ा सा डालेंगे ये भी, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, और इसका बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर को आपने कम से कम भी 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको इस तरह चम्मच चलाते रहना, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। जितना फ्लफ़ी होगा उतने हमारे दही भल्ले जो हैं वो मज़े के बनेंगे, ठीक है। आज हम बेसन के दही भल्ले बनाते हैं। ये देखें फटाफट से मिक्स हो गया। अब इसको 5 मिनट के लिए आपने इस तरह से चला देना। ये चटनियाँ मैंने बना के रखी हुई हैं, इनका मैंने लिंक आई बटन में डाल दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, इन चटनियों को बनाइए और दही भल्ले के साथ इंजॉय करें। जिस तरह से आप इजी हैं इसको उस तरह से बीट करें, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, मकसद बस इस पर थोड़ी सी मेहनत करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बस 2 मिनट और। बैटर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो रहा है। जी भी बस ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट के लिए बीट कर लिया, बेहतरीन बीट हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आपने रखना, ना बहुत गाढ़ा हो ना पतला, ऐसे, ये देखें, ठीक है। और ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक का डाल दिया था, ठीक है। पानी में नमक शामिल कर दिया, इसीलिए मैंने बेसन में नमक नहीं डाला, तो आपने भी इसी तरह से बनाना। ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रखेंगे, और ये देखें इस तरह से 1 चम्मच उठाया, और एक ही जगह पे आपने कोशिश करनी है कि इसको यूं करके डाल देना, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए बेहतरीन बीट होने की वजह से ये एकदम फूल के ऊपर आना शुरू हो गए। चलें इस तरह से आपने स्पून लिया, और कोशिश करनी है एक ही इस तरह से। अगर दुम्बी शुम्बी निकल आए थोड़ी सी तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखें ये देखें, बेहतरीन से दही भल्ले हमारे, नहीं अभी सिर्फ भल्ले भल्ले तैयार हो रहे हैं। और जो लोग नए आए हैं उनसे गुजारिश करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और जिन बहन भाइयों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश करूंगी वीडियोस पूरी देखा करें। ये लाइट सारा गोल्डन कलर आएगा फिर हम इन्हें निकाल देंगे, ठीक है, तरह से ये देखें कलर आ गया बेहतरीन। नमक मिला पानी लेंगे एक बाउल में और उसमें डाल देंगे। पानी में हमने ज्यादा देर के लिए भिगो नहीं देना, टूट जाएंगे ये, ठीक है, बस 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए इनको 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से आपने लिया, उठाया इसको, फिंगर्स के बीच में रखा और हल्का सा प्रेस किया ताकि पानी निकल जाए, और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं ऐसे। जी भी बस ये देखिए बेहतरीन से भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इनकी सर्विंग दिखाऊंगी, ठीक है। चलें इनको यहाँ रखते हैं
और ये मैंने दही ले लिया, इसमें अभी कुछ भी नहीं मिक्स किया, इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे ठीक है। ये ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, दो चार खाने के चम्मच, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसमें क्या करते हैं, 2 टीस्पून शुगर ऐड करते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ठीक है, ताकि फीका नहीं रहे। और ये प्लेट रखी है जिसमें हम सर्व करेंगे, ये देखें इस तरह से भल्ले उठाया हमने, बेसन के दही भल्ले, ये देखें इस पे रखे आपने ऐसे करके, एवं अब इस पे डालेंगे ये दही इस तरह से, देखें दही डाल गया। अब क्या करते हैं, इसमें डालते हैं खुबानी की चटनी, ये बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी, इसका मैंने लिंक डाल दिया आई बटन में, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना। ये चलिए हमारी खुबानी की चटनी, और ये है हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने की चटनी, इस तरह से ये डाल लेते हैं, देखो कितने प्यारे कलर आ रहे हैं। और ये रही इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये देखें वो मसाले डाल लेते हैं, ये चाट मसाला है ठीक है, थोड़ा सा ये डाल लेते हैं, चटपटा हो जाएगा इस तरह से। चलें ये हो गया, और साथ में इस पे थोड़े से कटे हुए प्याज, और टमाटर लगाते हैं इस तरह से, प्याज लगे साथ में टमाटर, ये देखें बेहतरीन सी हमारी प्लेट तैयार हो चुकी है। चलें जी अब इनका टेस्ट शेयर करते हैं, कैसे बने हमारे दही भल्ले। इतना मज़ा है, स्पेशली सारी चटनियों का, इमली की चटनी अपना जो टेस्ट है वो अपना है, तो बहुत ही मज़ा है। आप इनको बेहतरीन, बहुत मज़ा, वीडियोस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।